Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. Happy Sunday. अभी टाइम 9 बज रहा है. आज फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो गया. बहुत सुबह है, नहाना धोना सब कुछ, नाश्ता भी मैंने रेडी कर लिया है. आज मैंने जो है घुघरी बनाई है. मैं सोचा कि मटर का सीजन जा रहा है तो जाते जाते एक बार और लास्ट खा लेते हैं घुघरी. घुघरी हमारे यहाँ सभी को पसंद है तो घुघरी के साथ हम लोग चाय पी रहे हैं. और इधर राघव, जैसे कि संडे को बहुत काम रहता है तो इसलिए आधा काम हम कल निपटा लिए थे, कपड़े धुलने वाला काम और ऐसे ही छोटे मोटे काम जो रहते हैं, जो टाइम टेकिंग रहते हैं, उसको मैंने कल ही निपटा लिया था. आज थोड़ा रिलैक्स है. क्या हुआ राघव, क्या हो गया बिट्टू, क्या हो गया? दीदी भूख नहीं थी? राघव के हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है राघव का ग्लास. थोड़ा सा ऊपर कोई बात नहीं, ले जाए पापा को. कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो गिरा है. थोड़ा सा गुनगुना पानी रखो, नहीं नुकसान करेगा. सौरभ जोशी के पास कौन सी गाड़ी है? तुम्हें ये मालूम है सिद्धि की सौरभ जोशी के पास कौन कार है? तुम्हें ये हॉटेस्ट प्लेस नहीं मालूम है? थार डेजर्ट, द कोल्डेस्ट डेजर्ट, लद्दाख. हॉटेस्ट प्लेस हे गाइस, आज दोपहर के लंच में मैंने जो है राजमा चावल बनाए हैं और सिद्धि खा रही है. सिद्धि को राजमा चावल बहुत पसंद है. सिद्धि कैसा बनाया? यम्मी. मम्मा आपने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, इतना ज़्यादा अच्छा बन गया है. थैंक यू. सिद्धि से मम्मा की लड़ाई हो गई है. चलिए मजे लेते हैं. सिद्धि, सिद्धि, ओ सिद्धि,
मम्मा का राजमा चावल कैसा बना था? एकदम बेकार, मन कर रहा था थाली फेंक दे। तो अभी कुछ सब देर बाद मेरी तारीफ की थी कि मम्मा रेस्टोरेंट जैसा बनाई है, और अभी जो था बाप डांट नहीं रही थी। पूरा बेड फैला हुआ है, जो सारा सामान उसको समेट के रखो। मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है। क्या हो गया? मेरा पूरा बॉडी पेन, सर्दी, नाक भी जाम हो गया। राघव राघव ठीक हुए ना? राघव में ट्रांसफर करते हैं। राघव ने ही दिया मुझे पापा। राघव ने ही दिया मुझे पापा। सिद्धि मुझसे फाइटिंग करना चाहती है, पर लड़ना चाहती। ओफो राघव, फिर से हो जाएगा तुम्हारे। पापा अपनी आग तो इधर करिए। अरे चलो ऐसे ही कर देते, रागों से भी तो बचना है। चलो राघव, रागों से बचना रहता मुझे। ये लड़का ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है। पापा, पापा, सीधे मुंह पे अटैक करता है। पापा, पेट की बनी है। पीछे बैठे गिर ना जाए। आज संडे का पूरा एंजॉयमेंट हो मुझे। क्या हो रहा है राघव? लाइन बना के लेटना है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जो है शाम के 5 बज रहे हैं, जा रहे थे मार्केट, थोड़ा सा काम था। दरअसल हस्बैंड ने अपनी आंखें टेस्ट करवाई थी, तो उन्होंने अपना चश्मा बनने के लिए दिया था, तो थोड़ा सा मुझे भी काम था मार्केट में, तो अभी जा रहे थे मार्केट। मिलते हैं आपसे हम लोग मार्केट में। सो गाइस, हम लोग जो है निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। राघव यहाँ बीच में बैठा है और सिद्धि आगे दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम पीछे बैठे हैं, तो ऐसे ही बस चलते चले जा रहे हैं। संडे के दिन थोड़ा सा प्लान बनाया था हम लोगों ने कि थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि पूरे पूरे वीक तो फिर हम लोग तो खैर घर में ही रह जाते हैं। स्पेशली हम तो घर ही में रह जाते हैं, सिद्धि स्कूल तक जाना, हस्बैंड का भी निकलना, सिर्फ हम और राघव नहीं निकलते कहीं पर। गाइस, हम लोग यहाँ पर जहाँ पर चश्मा बनने को दिया था वहाँ पर पहुँच चुके हैं। गए हैं और हम लोग जो है फिर से उसी शॉप पे पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग रुकते हैं। इस शॉप में ना थोड़ी सी
मैग्नेटिक पावर है जो हम लोग को खींच के ला के यहीं पर रोकती है। कुछ देर में आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर रुके हैं। एक्चुअली ना हम लोग उसी रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पर अभी लास्ट टाइम देवा जी के साथ आए थे। यहाँ पर हम लोग अक्सर जब इधर से गुजरते हैं ना तो फिर पता नहीं कैसे यहाँ पर रुक जाते हैं। पता नहीं कुछ तो पावर है जो हम लोग आते जाते रुक ही जाते हैं। इन लोग की भी यहाँ मस्ती चल रही है। ये अपना चश्मा ही पाके बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसे कैमरे में कलर दूसरा आ रहा है चश्मे का। ब्लू आ रहा है ना? हाँ। यूवी प्रोटेक्टेड। मेरे वाला नहीं आता ऐसा। पुराने प्रोटेक्टेड। कह के तो यही दिया था। ये लेखो बनाते हैं ऐसा। इससे काफी मतलब कलर डिफरेंस ही दिख रहा है। हम लोगों ने वेज नूडल अभी ऑर्डर किया है। पहला ऑर्डर हम लोग का वेज नूडल है। क्या वो ज़्यादा स्पाइसी है क्या? अलग ही बैठ गए हैं खाने के लिए और इधर राघव का अपना अलग ही चल रहा है। सेकंड हम लोगों ने स्प्रिंग रोल मंगा लिया है। मंगाते जा रहे हैं, पता नहीं आगे पूरा ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ना सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से बनता है। बहुत टाइम नहीं हुआ ये रेस्टोरेंट ओपन हुए हुए। अभी हम लोग जो है ना नूडल्स ख़त्म भी नहीं कर पाए। चिली पोटैटो आ गया। दोस्तों हम लोग जो है निकल गए वहाँ से, अब घर जा रहे हैं। बैठ गए हैं। बहुत यम्मी टेस्ट था और नूडल्स थोड़ा सा आज स्पाइसी हो गया था बट दोस्तों हम लोग घर आ गए। जैसा कि हम बताए थे कि हम नहीं घूम पाते हैं तो हम यहाँ से निकले और चश्मे वाली शॉप पे गए और चश्मा लिए और घर वापस आ गए। बीच में वहाँ पर रुक गए थे खाने के लिए, बस यही हुआ, इतना ही घूम पाए। आज नूडल्स के साथ साथ प्लास्टिक का स्पून भी खा गए। पता नहीं कैसे हम खा रहे थे, हमको पता ही नहीं चला। जो प्लास्टिक का फोक था वो आधा टूट के मेरे मुंह के अंदर चला गया। कहीं इनके फंसा नहीं डायरेक्ट अंदर। अब हम सोच रहे हैं, अब हमको टेंशन हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब कुछ हो जाए। इतना लंबा था, इतना लंबा उसका पूरा एक फोक मतलब चला गया मेरे अंदर। कई बार मेरे भी प्लास्टिक जा चुका है। अंदर प्लास्टिक का पेड़ निकलेगा। Clap for Vaishnavi. Taco clap. Taco clap. So, दोस्तों ऐसे
बीच बीच में बाहर निकलते रहना चाहिए। आप और मेरी तरह ऐसे कहीं पर बाहर खाने जाओ तो फोक नहीं खाते हैं प्लास्टिक का। पता नहीं अब ना वो बाहर आ रहा है घर पहुंचने के बाद, तो पता नहीं अंदर क्या हो गया। बाहर निकले तो या तो पैदल निकले या तो बाइक या स्कूटी वगैरह से, कार से वो मजा नहीं रहता जो इससे रहता है, पूरा नेचुरल हवा रहता है। कार में तो क्या दौड़ने पहुंच जाते, कोई मजा भी नहीं आता ये काफी। बाइक से जाने से पुराने दिन याद आ जाते। हम लोग इससे पहले हम लोग पुणे में रहते थे, पुणे से तब लखनऊ शिफ्ट हुए। पुणे में हम लोगों ने घूमने का बहुत इंजॉय किया है। पुणे में तो बाइक ही थी मेरे पास, हम लोग 150 किलोमीटर महाबलेश्वर वगैरह बाइक से चले जाते थे। 150 जाना 150 आना, 300 किलोमीटर ट्रेवल टाइम था, ट्रेवल किलोमीटर था। एक ही दिन में हम लोग मॉर्निंग में सुबह निकल जाते थे 5 बजे, शाम 7 बजे तक वापस। तब सिद्धि छोटी सी थी, इसको बेचारी को बहुत ट्रेवल करवाया हमने। सिद्धि छोटे से ही, सिद्धि जो है 6 महीने की थी तब हम वहाँ पर चले गए थे, तभी से सिद्धि घूम रही है। वहाँ पर हम लोग थे और देवर जी रहते थे साथ में हम लोग के। वहाँ पर हम लोगों ने सब मिलके खूब मस्ती की है वहाँ पर। वहाँ हम लोग वीकली भी खड़कवास, लवासा, मतलब बहुत अच्छी जगह है पुणे। पुणे को ना वर्ल्ड का डेकन कहा जाता है, वहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। और जैसे हम लोग का माइंड में रहता था कि थोड़ा मराठवाड़ा चीज़ें लोग लेके चलते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी हम लोग को फील भी नहीं करने दिया कि हम लोग बाहर से कहीं आए, मतलब बहुत ही अच्छे लोग मिले, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों को भी टाइम मिले तो कभी एक बार पुणे ट्रेवल कीजिएगा, 2 से 3 दिन अपने हाथ में रखिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने की। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेवल करते हैं तो दर्शन करने के लिए भी अच्छा है, महाबलेश्वर है और एक कौन था शंकर भगवान का शिवलिंग में आता है, ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर है नज़दीक ही पुणे के। बाकी वाला वादियाँ और वैली और वहाँ से नज़दीक कितना बादाम खा रहे बेटा, खराब हो जाएगा पेट। और वहाँ अरे वो फेमस मुंबई जाते समय कौन सा पड़ता है याद ही नहीं आता, टाइगर पॉइंट, लोनावला सब एकदम चीजें मुझे ज्यादा याद है कहाँ कहाँ हम घूमे। लवासा, लोनावला, भीमा शंकर, महाबलेश्वर और सिंगरपोर्ट। हम लोग बाहर से एक तरह से नाश्ता तो करके चले ही आए हैं, अब चलते हैं घर में चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और सिद्धि अब अपना फटाक से रिवीजन स्टार्ट करो, अपना स्टडी स्टार्ट करो। तो रिवीजन कर लो, रेडी है ना तुम्हारा सब? हाँ। एक बार रिवीजन कर लो। हेलो गाइस, तो अभी रात के खाने का टाइम हो गया है, हम रोटियां बना रहे हैं और राघव सिद्धि खा के सो गए। दरअसल जो है ना मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना रहता है सिद्धि को, तो सिद्धि को 7:30-8 तक दे देते हैं। तो सिद्धि जो है अपना खा के तुरंत सोती है, सुबह सिद्धि को 5:30 तक उठ जाना रहता है। और राघव भी आज सो गए, नहीं तो राघव बहुत लेट सोता था। हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं, हम लोग को 9 बज जाता है, 9:30, इसलिए वही हम लोग अपनी ही रोटी बना रहे थे। तो ऐसे ही आज के ब्लॉग को फिर यहाँ पर हम दी एंड करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पर आप हमारे नए हों तो सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।